दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल। चश्मदीदों के मुताबिक नशे में धुत पुलिस वाले चला रहे थे कार, रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों के पीछे से टक्कर मारी। त्रिपुरा के जामजुरी में पूर्व सीएम बिप्लब देव के पुश्तैनी घर पर हमला, हमलावरों ने घर में आग लगाई। बिप्लब देव के पिता की पुण्यतिथि के एक दिन पहले घर पर हुआ हमला, बिप्लब देव को आज पुण्यतिथि में होना था शामिल। एक समुदाय विशेष पर लगा है हमले का आरोप, फिलहाल पुलिस ने नहीं किए किसी के नाम की पुष्टि। हमले में सीपीएम नेता रतन चक्रवर्ती का नाम आया सामने, रतन चक्रवर्ती ने की थी समुदाय विशेष के साथ बैठक। कंजावला कांड की शिकार अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद उसकी दोस्त निधि का बड़ा खुलासा, नशे की हालत में थी अंजलि। निधि ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में अंजलि से लड़ाई से किया इनकार, कहा स्कूटी चलाने पर हुई थी मामूली लड़ाई। निधि ने इंडिया टीवी को बताया लड़कों ने जानबूझकर मारी स्कूटी को टक्कर, पता होने के बाद भी कार के नीचे घसीटते रहे। निधि ने किया खुलासा, कार में फंसकर चिल्ला रही थी अंजलि लेकिन कार भगाते रहे आरोपी। पुलिस को तुरंत कॉल नहीं करने पर भी निधि की दलील, डर की वजह से पुलिस और घर वालों को कुछ नहीं बताया। अंजलि की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, एक्सीडेंट के वक्त नशे में थे पांचों आरोपी। अंजलि की मां ने पांचों आरोपियों को फांसी देने की मांग की, कहा कि तभी मिलेंगे इंसाफ। सीएम केजरीवाल ने अंजलि के घर वालों को 10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान, कहा अंजलि को दिलवाएंगे न्याय, बड़ा वकील करेंगे। श्री समेत शिखर तीर्थ मामले में आज मुंबई में जैन समाज का प्रदर्शन, श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मेट्रो स्टेशन से सुबह 9 बजे निकलेगा मोर्चा, आजाद मैदान तक जैन समुदाय तक होगा मार्च। मुंबई के आजाद मैदान में जैन समुदाय की लोगी रैली, 1 लाख से ज्यादा लोगों के रैली में शामिल होने का दावा। आजाद मैदान की सभा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा होंगे शामिल, एकटक शैलेश लोढ़ा भी करेंगे शिरकत। जैन समाज के नेता और धर्मगुरु करेंगे सभा को संबोधित, तकरीबन 1200 छोटे बड़े संगठन मार्च में शामिल होंगे। सूरत में मंगलवार को जैन समुदाय की निकली बड़ी रैली, डीएम को ज्ञापन सौंपा, समय शिखर पर फैसला बदलने की मांग की। रांची में जैन समुदाय का मौन प्रदर्शन, जैन मंदिर से राजभवन तक निकाली रैली, नोटिफिकेशन खत्म होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने पर सियासत हुई तेज, आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचेगा हल्द्वानी। अखिलेश यादव के निर्देश पर जाएगा 10 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल, सांसद एसटी हसन, विधायक अतुर रहमान समेत अन्य लोग शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे इलाके के लिए लोग करेंगे पंचायत, आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर हो सकता है फैसला। हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जे का है मामला, हाईकोर्ट ने दिया है अतिक्रमण हटाने का आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बनभुलपुरा इलाके के लोगों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख है। यूपी में ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की ओर से अपील। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया था, यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की एक याचिका पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने दाखिल की है याचिका। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान वर्सेज शाही ईदगाह विवाद मामले में मस्जिद कैंपस के अमीन सर्वे के खिलाफ आज सुनवाई, मथुरा मस्जिद कमेटी ने दायर की थी याचिका। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए सर्वे का काम हुआ शुरू, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है सर्वे की शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा बैठक में हुए शामिल, मंदिर निर्माण कार्य को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 110वां दिन, राहुल गांधी ने बागपत के मवी कलाश से शुरू की है यात्रा। 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना से गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा होते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए होगी रवाना। जयराम रमेश सुबह 11:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बागपत में मीडिया वालों के सवालों का देंगे जवाब। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, कहा एक नौजवान देश का भ्रमण कर देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। आज होगी केंद्र कैबिनेट और CCEA की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुंबई दौरा, दोपहर 2 बजे मुंबई के लिए होंगे रवाना। उद्योगपतियों के साथ मुंबई में रोड शो करेंगे योगी आदित्यनाथ, यूपी में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए देंगे न्योता। एमपी में आज से शुरू होगा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, टीकमगढ़ से सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुरुआत। योजना के तहत बेघर ग्रामीण गरीब को मिलेगा फायदा, 600 वर्ग फीट तक के प्लॉट का मुफ्त में किया जाएगा आवंटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों का लिया जायजा। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का आज सतना दौरा, ओबीसी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर आईटी की रेड, घर और कैंप कार्यालय का सर्चिंग।
15 गाड़ियों में आईटी के अधिकारी रेड करने पहुंचे, 5 गाड़ियों में आईटीबीपी के जवान भी साथ में मौजूद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने काफिले की गाड़ी की बस से टक्कर हुई, हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोग घायल। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर, केंद्रीय मंत्री अस्पताल जाकर घायलों से मिले, घायलों के इलाज का भी जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुए का खौफ, अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में एक टावर से दूसरे टावर जाते दिखा तेंदुआ। सोसाइटी के लोगों ने वन विभाग को दी है तेंदुए की जानकारी, वन विभाग के कर्मचारी अभी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम। चंडीगढ़ में एसआईटी के सामने पेश हुई महिला कोच, एसआईटी ने किया महिला कोच से सवाल जवाब, हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर लगाया है यौन उत्पीड़न आरोप। महिला कोच की मांग, पहले मंत्री इस्तीफा दे, कहा कि मुझे 4 बार बुलाकर की गई है पूछताछ, संदीप सिंह को 1 बार भी नहीं बुलाया गया। बिहार के पटना में नाबालिग लड़की से गैंग रेप, बाईपास इलाके में 5 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। लड़की के बयान पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी के निलंबित नेता मिश्री चंद गुप्ता के अवैध होटल पर कार्रवाई, ब्लास्ट कर होटल को किया गया जमींदोज। हत्या के आरोप में फरार है मिश्री चंद्र गुप्ता, चुनाव के दौरान जीप से कुचलकर युवक की हत्या का आरोप। यूपी के मेरठ में गैंगस्टर शमीम बंजारा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस ने जमीन के ऊपर लगाया सरकारी बोर्ड, पुलिस के मुताबिक जमीन बंजारा की अब तक 35 करोड़ की संपत्ति को सरकार कर चुकी कुर्क। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपियों को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। रूसी नागरिक मिल जेकब की शिप पर हुई मौत, पोस्टमार्टम के लिए उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर लाया गया डेड बॉडी। अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, निचले इलाकों में बड़ी ठंड। लखनऊ डीएम ने बढ़ती सर्दी के बीच शेल्टर होम की व्यवस्था का लिया जायजा, जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। कर्नाटक के कलबुर्गी में बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेरा, 2 लाख हेक्टेयर में फैले अरहर की फसल को नुकसान। सीएम योगी ने किया यूपीपीएससी की नई वेबसाइट का शुभारंभ, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में मिलेगी जेट कैटेगरी की सिक्योरिटी। अपनी बिहार यात्रा पर बोले सीएम नीतीश, हर जगह घूमकर लूंगा लोगों से फीडबैक, बीजेपी ने कहा यात्रा से नहीं होगा कोई फायदा। नीतीश का बीजेपी पर तंज, कहा कि देश के लिए काम नहीं करती बीजेपी, केवल पार्टी के लिए होता है काम, इसलिए उसने नाता तोड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में जंगल राज बताया, कहा समय आ गया है जब बीजेपी को बिहार का नेतृत्व करना चाहिए। 27 जनवरी को छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम का खुला ऑफर, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें लोन दिए जाने में मदद करें। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सतीश चंद्र के किए गए सम्मानित, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में हुआ कार्यक्रम। कैप्टन शिवा चौहान ने रचा इतिहास, पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। गुजरात में समुद्री सीमा पर आईसीजी की एक्सरसाइज, नशा तस्करी के खिलाफ जवानों ने अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में गंगा सागर मेला की तैयारियां, आखिरी चरण में कोविड की वजह से 2 साल नहीं हुआ था मेले का आयोजन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2582 नए केस दर्ज किए गए हैं, 1 जनवरी को दर्ज हुए थे 173 केस। चीन के बीजिंग में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अस्पतालों में लगातार आ रहे हैं इमरजेंसी केस। यूरोपियन यूनियन का चीन को ऑफर, कोरोना संकट से बचाव के लिए दवा और वैक्सीन करवा सकते हैं मुहैया। रूस ने डोनेस्क के डिस्क्वा और क्राम्टोरस्क शहर पर हमले की बात मानी, कहा 2 अमेरिका और 4 चेकमेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर हुए तबाह। रूसी सेना का दावा, वायुसेना के हमले में 120 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए। डोनेस्क के रूसी कब्जे वाले मकीवका इलाके पर यूक्रेनी सेना का हमला, 63 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। यूक्रेनी रॉकेट ने रूसी सेना के कैंप को टारगेट किया, पूरा कैंप तबाह, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। कैलिफोर्निया में 250 फीट नीचे खाई में गिरी कार, कार में सवार 4 लोगों को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल। मेक्सिको की जेल में गैंग लीडर को छुड़ाने के लिए बदमाशों का हमला, 25 कैदी भागे, बख्तरबंद गाड़ियों से आए बदमाशों ने फायरिंग की। अप्रैल दिसंबर में एनटीपीसी के ऊर्जा उत्पादन में 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज। सौरभ गांगुली की आईपीएल में होगी वापसी, दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर बनेंगे। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल में टीमों के अधिकार के लिए टेंडर जारी किए, मार्च में 5 टीमों के साथ होगा आगाज। पहले टी20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 2 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में बनाए 1-0 की बढ़त। फास्ट बॉलर शिवम मावी ने डेब्यू मैच में 4 विकेट चटकाए, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए, जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन बना पाई। दीपक हुड्डा ने 41 और अक्षर पटेल ने खेली 31 रन की शानदार पारी, दीपक हुड्डा मैन ऑफ द मैच बने।
हार्दिक पांड्या ने युवा खिलाड़ियों को दिया जीत का क्रेडिट, कहा कि युवाओं ने हमें खेल में वापस लाया। पहली बार टीम इंडिया के कप्तान बने सूर्य कुमार यादव, हार्दिक को चोट लगने के बीच मैच में मिली टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा WTC का फाइनल। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में 35वें स्थान पर पहुंची, 3 स्थान का हुआ फायदा। अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग के दौरान हार्ट अटैक आने से खिलाड़ी मैदान पर गिरा, CPR देने के बाद भी नहीं उठा, अस्पताल में भर्ती। ब्राजील के फुटबॉलर पेले का अंतिम संस्कार हुआ, 2,00,000 से ज्यादा लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए। निर्माता अनंत महादेवन वेटरन्स ऑफ वॉर द इंडिया स्टोरी नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में जुटे, गैलेंट्री अवार्ड पाए 20 पूर्व सैनिकों की बताएंगे सच्ची कहानी। ऋतिक रोशन ने दिखाए 8 पैक एब्स, अनिल कपूर बोले ये आ गया रियल फाइटर। फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध का टीजर आउट, गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी फिल्म। फिल्म प्रोजेक्ट के में जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे प्रभास, मेकर्स ने रिलीज किया फिल्म मेकिंग का वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।